देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज अपना जी सारा का सारा उखाड़ लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो ये है जी हमारा सेहन। तो यहाँ पे अभी हमने मिट्टी जो है लेवल कर दी है, मतलब कि जितनी भी ये मिट्टी है सारी यहाँ पे लेवल करनी है। ये खुरली पहले जानवरों की बनाई हुई थी, तो ये भी अभी तोड़ देनी है। इसको तोड़ने के बाद जी फिर जितनी भी ईंटें हैं यहाँ पे ये कि सारी की सारी बाहर लेके जानी है और यहाँ पे और मिट्टी डालनी पड़ेगी हमें। और मिट्टी लेवल करने के बाद तो ये अभी हम इसलिए नहीं उखाड़े क्योंकि अभी हवेली में हम रिहाइश नहीं है, मतलब कि जानवर वगैरह नहीं है, तो ये ना हो कि रात को जो है वो मोटर को खोल के ले जाए। तो इस वजह से अभी हम घर में इसको रख रहे हैं। शाबाश शाबाश हसनैन भाई, शाबाश, बहुत ही मेहनती बच्चा हसनैन भाई। शहजादा लगा, चीता चीता, सुट्टी चल सुट्टी चल, शाबाश यार, हैं आजो यार, इन्ना का काम नू कुछ भी नहीं आ रहा यार सनैन, ए फड़ ए कुछ काम ना शूज गंदे ने नहीं बूट भरो नहीं इस ग्लास नहीं तो दे। हसनैन भाई घर में लगे हुए हैं काम, और अभी मैं और ये हमारा भाई अब्दुल्ला भाई पीछे हैं। अभी हम जा रहे हैं हवेली, यहाँ वहाँ से जाके पहले सबसे मोटर जोड़ेंगे और जितना भी काम हुआ हुआ है दीवार का और खुरली का उसको पानी लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं लगाएंगे फिर वो मजबूत नहीं होगी इतनी। पानी लगाएंगे तो फिर सही मजबूत हो जाएगी। और एक बंदा वहाँ पे पानी लगाएगा, फिर दो बंदे जो वो आइए आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके। आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने जी अपनी सब्जियाँ काश्त की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब्जियाँ यहाँ तक पहुँच गई हैं कि हम रोज़ाना सब्जी मतलब कि मसाला जो है वो यहाँ से ही लेके जाते हैं। हरी मिर्चें और प्याज सारा कुछ इधर से लेके जाते हैं। अभी आइए आपको दिखाता हूँ, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्जियाँ। इन सब्जियों को ना असल में एक बीमारी लग गई हुई है, ये देखें जी हरी मिर्च को जी कीड़ा लग गया हुआ है। यहाँ से इस तरफ को जो है वो कीड़ा जो है वो खाता है मिर्चों को और ऐसे नीचे गिर जाती हैं। और ये देखें इसके साथ लगी हुई हैं, लेकिन जो सही है वो सही है लेकिन कीड़ा लगा हुआ है। और आज हम जी इसको स्प्रे भी करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा मेन जो चीज़ है वो प्याज, माशाल्लाह प्याज तैयार हो गया। ये देखें समीला भाई ने उतार के दिखाई है, ये मिर्चियाँ ख़राब हो रही हैं। स्प्रे जो है वो अबू जान ले के आए थे, अबू जान कह रहे थे कि करनी है, दो तीन दिन हो गए हैं अभी तक हमने नहीं की। और अभी आज हम अपना ये प्याज है ये उखाड़ लेंगे क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। ये सबसे पहले मोटर जोड़ते हैं फिर ये काम करते हैं। हवेली में आया हूँ तो अभी मुझे याद आया कि मेरे पास चाबी नहीं है, तो हम्बे से कोई भी नहीं लेके आया। अभी समीला भाई चलते हैं और चाबी लेके आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हवेली का काम भी तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है, बस अभी हमारा काम है मिस्त्रियों का काम ख़त्म हो गया हुआ है। हमने ये करना है कि इसमें मिट्टी डालनी है, लेवल कर देना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि इसका कितना खर्चा आया और अभी कितना आने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इसके ऊपर कितना खर्चा आया, तो सारा तरतीब के साथ मैं लिख के तो फिर आपको बताऊंगा। बहुत पैसे लग गए हैं इसके ऊपर भी, हालांकि काम कुछ भी नहीं हुआ लेकिन पैसे बहुत लग गए हैं। तो अभी पानी लगाते हैं, ये वाली दीवार ताज़ा लगी हुई है इसको पानी लगाना है, और ये खुरली है इसको पानी लगाना है। ये देखें खुरली भी अल्हम्दुलिल्लाह पक्की हो चुकी है, ये चेक कर रहे लोया। अब्दुल्ला भाई ने जी काम स्टार्ट कर दिया है, प्याज जो है वो उखाड़ है। हम सब मिलके इंशाल्लाह इंशाल्लाह प्याज जो है वो उखाड़ लेते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त प्याज हुआ है हमारा। बस अभी जल्दी जल्दी हवेली के काम खत्म हो जाएं, मैं जी अपनी चार पे छत के ऊपर ले आऊंगा, छत के ऊपर सोया करूंगा मैं ऊपर ठंडी ठंडी हवाओं में। लेकिन अभी जल्दी जल्दी भैंस लेके आएंगे, उसके बाद जी हम अल्हम्दुलिल्लाह ईद आ रही आगे, तो कुर्बानी का बछड़ा भी हमने लेना है, तो मतलब की वो हम बांधेंगे अपने अपनी हवेली में ही बांधेंगे थोड़े दिन के लिए, वो भी हम लेके आएंगे नई वाली खुरली पे उसको बांधेंगे सबसे पहले। हो सकता है बछड़ा पहले आ जाए, हो सकता है भैंस पहले आ जाए, अभी पता नहीं किसके नसीब होते हैं इस हवेली में सबसे पहले। ये थैंक यू सो मच, अभी खोलते हैं, मैं मोटर चोड़ के समीला भाई को देता हूँ, ये पानी लगाएगा। नहीं चाबी है रे सा। यार चाबी किधर है, मजाक कर दिया तुमने मेरे साथ, हाँ चाबी दो यार चवल इंसान। मैं भी कह रहा हूँ शायद चाबी इसके अंदर नहीं है, क्या सिस्टम है, शायद घुसी हो छुपी हो। अंदर से जी हबस आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब कि हीट अप हो गया हुआ रूम। ये रही जी अपनी मोटर, देखें इधर कबाड़ खाना बना हुआ है, इस साइड पे अम्मी जान ने उपले लगाए हुए हैं, इस साइड पे जी मतलब कि लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो ये हालांकि अपने रिहाइश के लिए ये कमरा बनाया है और अम्मी जान ने अपना सामान रख लिया हुआ है। अभी हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए अलहदा रूम बना लें उधर, जैसे ये साथ वाला बनाया है वो एक साइड पर बनाएंगे, वो बात की बातें हैं,
अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो काम हुआ ना उसको बस थोड़ा संभाल लें। मोटर जोड़ते हैं। अभी समीला भाई को फिर से घर जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इसका रेंच नहीं है जिससे ये नट जो है वो टाइट करने हैं, तो दूसरा चक्कर अभी लगेगा घर का। समीला भाई आते हुए ये हवेली से बटन ऑन कर देना है मोटर का, ताकि इधर से मैं तारें जो है लगा लूं, क्योंकि फिर से ये तीसरा चक्कर हो जाना है। ये देखें अभी बोर का सामान भी यहाँ पे ही पड़ा हुआ है, अभी वो लेके नहीं गए अंकल जान, उन्होंने लेके जाना था। अगर किसी और ने करवाना होगा वो फिर यहाँ से आके ले जाएगा, वो बताएंगे कि हमारी हवेली पड़ा हुआ है, यहाँ से वो बोर आके ले जाएगा। इतने दिन हो गए हैं ये इस बोर को यहाँ पे पड़े हुए खुले, बस कोई मतलब कि किसी ने नहीं चोरी की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में ऐसे सेव है, सारा सामान सेव ही रहता है। तो हमने जी अपनी गारंटी पे नहीं रखा हुआ ये बोर, वो भाई नहीं रखा हुआ, हमने कहा था कि यहाँ से अगर गायब हो गया सामान तो हमारे जिम्मे नहीं, तो वो कहते थे कि नहीं कहीं भी नहीं जाता, आपने बस संभाल के एक साइड पे लगा देना। ये जी भाई ऑन करके आ चुका है और साथ रेंच लेके आया है, जल्दी आओ जल्दी आओ, इसकी मदद से ही ये काम होना था। अभी यहाँ से ये नट खोलते हैं, इसके अंदर पानी डालना है, पानी डालते हैं और उसके बाद ऑन करते हैं जी मोटर को। तारे लगाई हैं और लाइट नहीं है जी। अब जी लाइटा नहीं, लाइटा नहीं। अब्दुल्ला भाई जी प्याज को उखाड़ रहे हैं, अभी मैं हम भी उखाड़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चेक करें कितना प्यारा प्याज हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, ये देखें खेत का, अपने खेत का खालस जो है वो प्याज, ये फ़ायदा हो गया। प्याज अभी बहुत महंगा प्याज हो गया हुआ है, अभी वही ये नहीं लेके बंदा खा सकता। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना काश्त कर दिया था तो हो गया। ये देखें माशाल्लाह कितना कितना मोटा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जिसका ये तना मोटा हो वो प्याज भी नीचे से मोटा होता है, जैसे ये है, ये रंबे का था, ये देखें वह डबल, ये चेक करें इसका मोटा था। देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्याज अपना जी सारा का सारा उखाड़ लिया है अभी। हाँ जी अब्दुल्ला भाई कोई रहता नहीं क्या? वहाँ कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, सारे चुक लेने। अब्दुल्ला भाई और बहुत ही प्यार से हमने जी ये उखाड़ा, क्योंकि साथ ये इसके मिर्चे हैं ना, तो मिर्चें भी खराब हो सकती थी, इसलिए हमने बिल्कुल आराम आराम से निकाला है। अभी ये मिर्चें जो है वो इनको सुबह सुबह उठ के जी स्प्रे करेंगे, कीड़ा लगा हुआ है तो वो मिर्चें खराब कर रहा है सारी की सारी, तो स्प्रे इसको सुबह सुबह उठ के फर्स्ट टाइम जो है वो कर देंगे हम। ये मौसम भैया आपके आपका तोहफा जी एक दिन की आंटी बन जानी, एक दो दिन की सलाद, हाँ सलाद भी बन सकती है, सलाद बनाते हैं इसका। हाँ दिला भाई तोड़े भी कोई यार दोस्त हैं तो देख लो उन्हें गिफ्ट, सोना प्याज है ना, देसी है, हाँ ये देसी प्याज है। हाँ जी अब जी क्या है प्याज जबरदस्त है। अभी ये जितना भी प्याज है ये घर लेके चलते हैं, चादर में डालते हैं सारा का सारा। भाई हो गया। तेरी क्या बात है, जिंदाबाद। थोड़े से हैं अब्दुल्ला भाई ये। हैं? थोड़े ने और कितने किलो होंगे ये? एक मिनट रुको, एक मिनट। 20-25 किलो होंगे? हाँ इतने होंगे, इतने होंगे। चलो ले जाओ इस तरफ, देखें जी अभी अब्बू जान पानी लगा रहे हैं। 20-25 किलो होना जी प्याज। मंडी में पता नहीं अभी प्याज का क्या रेट होगा, मेरे ख्याल में तकरीबन पहले तो बहुत रेट था प्याज का, अभी प्याज तकरीबन 40-50 के करीब होगा एक किलो मेरे ख्याल में। तो अगर 20-25 किलो है तो कितने पैसे बच जाते हैं, मतलब कि एक दो महीना हमारा, दो महीने आराम से निकल जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी निकल जाए, हो सकता है पहले भी ख़त्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर का खालस देसी प्याज हो गया। अभी मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, अपने खेत में लड़के लगे हुए हैं तो आवाज़ें दे रहे थे, तो अभी क्रिकेट खेलते हैं जाके। क्या चे अमर भाई इनिया आवाज़ा मार रही, मैं आया हूँ तो हार गयो मैच, मेरे आना मैच हार गयो तो मैं इनिया आवाज़ा मारने पे कदरा माटी लीला तो मारे आया काम करेगा ना सर, माटी मेरी आई थी। हाँ
देखिए जी अभी ये प्याज का हमने क्या करना है कि इसको साफ करके रख देना है। हाँ जी हम जी, क्या है प्याज सही है ये कट हो नहीं, जगह भी थोड़ी नहीं। हाँ ये देखिए माशाल्लाह चमक मार रहा है, थोड़ी सी जगह में लगाया हुआ था तो माशाल्लाह इतना सारा हो गया। अभी ये इसका इतना इतना हिस्सा काट देना और नीचे वाला हिस्सा जो है वो हमने रख लेना है, स्टोर कर देना है और थोड़ा थोड़ा जो है वो रोजाना सालन में डालना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना मोटा है। हाँ जी अब्दुल्ला भाई। हाँ जी ये मुझे चैलेंज कर रहा है। कौन सा चैलेंज कर रहा है? कि एक लीटर दो डेढ़ लीटर की बोतलें हैं, हाँ वो कौन सबसे पहले पीता है? मैंने कहा ये कौन सा चैलेंज हुआ? अच्छा ये चैलेंज करना आपने? ये कह रहा था करना यार, डेढ़ लीटर वाला। दो मिनट में जितनी जो कौन ज्यादा पीता है? डेढ़ लीटर की यार नुकसान ना करें, डेढ़ लीटर लीटर वाली। चलो यार लीटर की हो जाए, लीटर वाली एक मिनट में ठीक है लीटर वाली। नहीं छिड़कता इंशाल्लाह कल या परसों करेंगे। सही है अब्दुल्ला भाई, यार कोई शेर नहीं यार? शेर यार शेर शेर छोड़ दिया मैंने। छोड़ दिया क्यों? इसमें क्या यार आपने अपने अपने खुद बनाने होते हैं शेर? यार टाइम लगता है यार, दिल्ली बहुत काम, कभी बेली में काम शुरू होता है, कभी यहाँ पर भाई मौसम काम वहाँ छोटी होती है तो आप शुरू कर देते हैं, यहाँ पर छोटी होती है भाई मौसम पकड़ लेता है यार। अब्दुल्ला भाई यार ये अपने सब्सक्राइबर को कुछ सुनाओ यार, वो सुनना चाहते हैं। सीरीज सुनाएंगे हम, कुछ सीरीज सुनाएंगे यार। क्यों? चलो नेक्स्ट फिर आगे याद करके अगले याद करेंगे। चलो ठीक है, ठीक है जी। आज अब्दुल्ला भाई थोड़े फनी मूड में है, आज मूड सही है अब्दुल्ला भाई। आज अब्दुल्ला भाई बात करें क्योंकि मैंने अपनी जो है रूटीन बदल ली। ओ, अभी आपने इज्जत करनी है इसकी। अब्दुल्ला भाई वहाँ पे जो मैं जो जब ये प्याज जो है फाड़ा था तो तब इसने यहाँ पे जो है क्या किया था? किसोनुआ था तो बहुत दर्द हुई, फिर मुझे कहता चुप फिर भी कोई बात नहीं छोड़ दिया आपने। इसको मैं उठा रहा था, उठ नहीं रहा था। अच्छा। मैं चंड मारी जहाज हो जाग नहीं उठना तो फिर रोज खाना नहीं खाया होता। मैंने कहा खाना खा लो, उठा रहा उठ नहीं तो मैं चंड मारी जहाज। अभी जब छोटे होते थे तो मेरी हसनैन भाई से बहुत लड़ाई होती थी, मतलब कि घर से अम्मी अबू ने जो भी बातें सुनानी मुझे सुनानी होती थी क्योंकि मैं बड़ा था। इस वजह से ऐसे ही समीला अब्दुल्ला भाई को तंग करता रहता है, बातें अब्दुल्ला भाई को ही सुननी पड़ती हैं जो कुछ भी हो। क्यों अब्दुल्ला भाई? हाँ जी। इसको कुछ नहीं कोई भी ना लाडला रखा, इसको सिर्फ मैं समझाता हूँ, बाकी कोई भी नहीं है। लाडला लाडला कोई भी चीज ध्यानी हो लियाओ जी, खा लिए परे। सबसे पहले खा लेता बाहर जाता है जी, जाके किचन सीनता रहता, कोई चीज तो नहीं आई, फ्रीजर से कुछ भी हो निकाल लेता है। हाँ इसकी बहुत बुरी आदत है ये, पहले बाहर से आएगा आके देखेगा फ्रीजर खोल के इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। अक्सर कोका कोला होती है तो मतलब कि और कोई खाने की चीज़ें होती हैं फ्रूट वगैरह, तो वो बाहर से बीच में से निकालता है और खा लेता है, किसी को बताता भी नहीं है। फिर जब पूछते हैं कि इधर फ्रूट पड़ा हुआ था, मैं अक्सर जी अम्मी जान के लिए लेके आता हूँ फ्रूट वगैरह, अब्बू जान के लिए और अम्मी जान के लिए, इनके लिए भी लाता हूँ लेकिन अम्मी जान और अब्बू जान के लिए अलहदा से लाते हैं, तो ये नहीं छोड़ते। अम्मी जान इनको ही दे देती हैं सारा, लेकिन इनको शर्म नहीं आती, चोरी नहीं, करता है। एक तरबूज पड़ा हुआ है वो अब्दुल्ला पहले इर्द गिर्द घूम रहा है कि यार वो खा पिया पड़ा क्यों है यार, उसको छेती पेट में सूटे पेट में सूटे छेती छेती नहीं। अब्दुल्ला भाई से ही मैं काम सीखे हैं। आप भी खाते हो इस तरह? यार खाओ, खानी चाहिए यार, पूछ ले यार ये चीज खानी बुलावे, पूछते नहीं थे चोरी चोरी खाते हैं ना। मुझे भी साथ बता देते मैं ले आओ हूं, मैं मुझे बड़ा हो गया हूं, बच्चा आ गया कुछ समझ समझ, अभी आप बड़े हो गए यार, शर्म किया करो। छोड़ देंगे कोई बात नहीं, आस्ते इस तरह छोड़ देंगे, अभी जो गर्मी है इसलिए मैं मुझे पता है कुछ नहीं चीज ले आकर रखी हुई है। पता नहीं आपको समझ आ रही है कि नहीं, समझ में लगी बातें। शम्मस भाई आए हैं मिलने के लिए। शम्मस भाई छुट्टी खत्म हो गई है, ठीक है सर, इंशाल्लाह इतने मुलाकात होगी इंशाल्लाह। व्लॉग जी एडिट हो चुका है, आज का व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेंबर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, शुक्रिया।
मिलते एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।